Hey guys, ये है फोटोशॉप सीरीज का नेक्स्ट वीडियो और हमने लास्ट वीडियो में सीखा है पेंसिल टूल का यूज कैसे करते हैं और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कलर रिप्लेसमेंट का यूज कैसे करते हैं। तो गाइस यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो देखते रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है विशाल और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, लेट्स डू इट। तो गाइस सबसे पहले हमें फोटोशॉप ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद तो गाइस इस वीडियो में हम कवर करने वाले कलर रिप्लेसमेंट टूल। ओके, यह टूल यूज करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक इमेज की। तो सिंपल हमें किसी रोज की इमेज को यहाँ पर ओपन करना होगा। मैं यहाँ पर कंट्रोल और ओ के साथ डायरेक्टली हमें इसे ओपन कर सकते। ओके गाइस, तो ये रही हमारी इमेज। इस इमेज के ऊपर हम कलर रिप्लेसमेंट का यूज कैसे करते हैं यह देखने वाले हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले इस इमेज को हम अगर कट करके न्यू पेज पे लेंगे तो हमको और ही आसान होगा इसके ऊपर वर्क करने के लिए। तो गाइस सबसे पहले हमें इस फोटो की कटिंग के लिए यूज करना होगा मैजिक टूल। मैंने आपको बताया है जिस इमेज का बैकग्राउंड एक कलर यानी सेम जैसा है उसके लिए हम यूज करते हैं सिंपली मैजिक टूल का। तो सिंपल हम मैजिक टूल का यूज करके इससे करेंगे इसमें राइट क्लिक और यहाँ पर सिलेक्ट यूनिवर्स करके यहाँ पर इसे रिफाइन एज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर थोड़ा सा इसे रिफाइन एज अप्लाई करेंगे। ओके गाइस, ये होने के बाद तो मैं यहाँ पर कंट्रोल और एन की मदद से एक न्यू पेज ओपन कर लेता हूँ और मूव टूल की मदद से इस इमेज को यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ या मूव कर लेता हूँ। ओके गाइस, ये होने के बाद इस इमेज को हम एडजस्ट करने के लिए सिंपल से कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इस इमेज को हम एडजस्ट करेंगे। ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं तो गाइस यह इमेज वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच हो रही है। तो इसे रोकने के लिए हम सिंपल यूज करेंगे यहाँ पर एस्पेक्ट रेशियो का। ओके गाइस, ये होने के बाद हमें सिर्फ इसे एंटर करना होगा। ओके गाइस, तो गाइस बढ़ते हैं हमारे टूल की ओर। आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पर ब्रश टूल के नीचे पेंसिल टूल है और पेंसिल टूल के नीचे आप देख सकते हैं कलर रिप्लेसमेंट टूल है। तो सबसे पहले हमें इसे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद तो आपको एक बात याद रखनी है दोस्तों, नीचे आना है यहाँ पर हमारे कलर बॉक्स में। हमें जो कलर चाहिए वो उस कलर को हम यहाँ पर सिलेक्ट करके उसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पर ये वाला कलर चूज करता हूँ और यहाँ पर सिंपल ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद तो आप देख सकते हैं गाइस इस रोज का ऑलरेडी कलर है रेड और हमने यहाँ पर चूज किया है कलर ए वाला। तो हम सिंपल यहाँ पर इसे कुछ इस तरह हम इसे ब्रश करते। तो आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पर बहुत ही एक्यूरेट से यह हमारा जो कलर रिप्लेसमेंट टूल है यह वर्क कर रहा है। ओके गाइस, और यह पूरे ही रोज को इस तरह कुछ वर्क कर रहा है। लेकिन गाइस अगर हम इसे हमको जहाँ पर भी कलर रिप्लेस करना है अगर उस पार्ट को हम सिलेक्ट करते हैं तो हमें आसानी जाएगी कलर रिप्लेसमेंट करने की। ओके, तो गाइस हम सिंपल क्विक सिलेक्शन टूल का यूज करते हैं और इसका यूज करके हमें ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, सेलेक्ट करने के बाद सिंपल हम आते हैं यहाँ पर कलर रिप्लेसमेंट टूल में और यहाँ पर इसे ऐसा फिल कर देते। ओके, तो गाइस आप देख सकते हैं यह एक्यूरेट ट्रांसपेरेंट तरीके से यह कलर रिप्लेसमेंट टूल काम करता है। ओके, तो हम चाहते हैं इस ग्रीन कलर को यहाँ पर रिप्लेस करना, तो हम ग्रीन कलर चूज करके यहाँ पर इसे रिप्लेस कर सकते हैं कुछ इस तरह। ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं गाइस इस फोटो में यहाँ पर इसका जो इस कलर की जो ओपेसिटी है यह बहुत ही ज्यादा दिखाई दे रही है। तो इसीलिए हम सिंपल से यहाँ पर टॉलरेंस का यूज भी कर सकते हैं। ओके गाइस, अगर हम टॉलरेंस का यूज करेंगे और यहाँ पर फिल करेंगे तो आप देख सकते हैं गाइस ये जो कलर है थोड़ा सा फीका हो जाएगा और कुछ इस तरह यहाँ पर वर्क करेगा। तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर है हमारी साइज, तो हम ब्रश की साइज कम या ज्यादा कर सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर टॉलरेंस है, अगर हम टॉलरेंस एक कर देंगे तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह यह फील करेगा। ओके, अगर हम टॉलरेंस रख देंगे 100 तो देखिए गाइस यह पूरी तरीके से फील करेगा। तो हमारे हिसाब से जैसे हमारे इमेज है वैसे इस टॉलरेंस को एडजस्ट करके इस कलर रिप्लेसमेंट टूल का यूज करना होगा कुछ इस तरह। ओके गाइस, तो गाइस यह काम है कलर रिप्लेसमेंट टूल का। जो भी हम कलर पिक करते हैं उसे यहाँ पर दूसरे पार्ट में कलर को रिप्लेस कर देता है। अगर हम यहाँ पर इसकी जगह टी शर्ट की फोटो लेते हैं और उसे सिलेक्ट करके कलर रिप्लेसमेंट करते हैं तो टी शर्ट का कलर भी चेंज हो जाएगा। ओके, आई होप गाइस यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।